जिंदगी में दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन यदि दोस्त दगाबाज निकले तो जिंदगी मुश्किलों से भर जाती है। खासकर जब दोस्त की मौत हो चुकी हो तो परिजनों को परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा। अपर कलेक्टर ने दगाबाज दोस्त को 3 दिनों में पीड़ित परिजनों को राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं। दरअसल संदीप साहू ने आयशर लोडिंग वाहन खरीदा था। उसने ये वाहन अपने दोस्त विनोद सोलंकी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे चलाने के लिए दिया था। वाहन खरीदने के कुछ माह बाद ही संदीप साहू की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। मौत के कुछ समय बाद संदीप के परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा, तो परिजनों ने विनोद सोलंकी से आयशर वाहन लौटाने के लिए कहा, लेकिन विनोद सोलंकी की नीयत खराब हो चुकी थी। वो अब वाहन लौटाने को तैयार नहीं था। इसे देखते हुए संदीप साहू के परिजनों ने एरोटन थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। संदीप की मां इंदिरा साहू ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में अपर कलेक्टर पवन जैन के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। सर, मेरे बेटे का दोस्त है विनोद सोलंकी, उसने मेरे बेटे से ही गाड़ी ली थी सामान घर का डालने के लिए। उसका पहचान का ड्राइवर था, वो गाड़ी चलाता था। इस बीच में मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, कोरोना पॉजिटिव हो गया। वो 7 दिन वेदांत अस्पताल में भर्ती रहा। इस बीच में उसने गाड़ी ला के नहीं दी हमारे को, और अब गाड़ी पे कब्जा कर लिया। मैं जब से ही उससे गाड़ी मांग रही हूँ कि मृत्यु मरे हुए व्यक्ति की गाड़ी 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। मैं उससे 1 महीने बाद से ही गाड़ी मांग रही थी कि भैया तू गाड़ी दे दे, मेरे बेटे के नाम की गाड़ी है, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो ये हमारा घर बिक जाएगा। हम अभी अभी तो 14 साल किराए से रहिए, अभी अभी 5 महीने पहले ही हम मकान में बैठे, इसके बाद ही मेरे बेटे की डेट हो गई। तो सर उसने क्या बोला हमारे से कि आप क्यों चिंता करते हो, माता राम मैं हूँ तो सही, कोई भी आपत्ति आएगी तो मैं हूँ तो सही, मैं आपके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगी। इसके बीच में धीरे धीरे करते करते 4-5 महीने 6 महीने हो गए। उसने 4 महीने बाद फिर मैंने उसकी कंप्लेंट करी एलोड्रम थाने में, तो वो झूठे कागजात बनवा लाया जिसमें मेरे बेटे की साइन नहीं मिल रही। मैं एलोड्रम थाने, राजेंद्र नगर थाने, SP ऑफिस, सब दूर भटक ली मैं 10 महीने 11 महीने से। गाड़ी मेरे बेटे के नाम संदीप साहू के नाम थी, अब मैंने मेरी गाड़ी मेरी बहू सरिता साहू के नाम करवा दी और उसका पूरी लिखा पढ़ी मेरी बहू के नाम है, पूरे कागजात। आप पूरी जांच कर लीजिए फाइनेंस से लेके गाड़ी जहाँ तक कहाँ होती है रजिस्टर में कहाँ, सब दूर संदीप साहू के नाम गाड़ी थी और अब मैंने मेरी बहू सरिता साहू के नाम करवा ली। उसने फर्जी दस्तावेज बना लिए और फर्जी साइन कर ली उसने संदीप साहू के नाम की। एक और उसका मेरे बेटे का जो पार्टनर था बालकृष्ण साहू, उसने उसका झूठा सहयोग करा, झूठी गवाह दी उसने, और उसने दोनों ने मिलके और ये मेरी गाड़ी को उनने हथिया ली। वो मेरी गाड़ी नहीं दे रहे सर, मैंने कम, मेरा नाम इंदिरा साहू है, तेरा नाम बता। इंदिरा साहू ने आरोप लगाया कि विनोद सोलंकी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर वाहन पर अपना दावा पेश किया है, जबकि वह इस वाहन को संदीप की मौत के बाद बहू सरिता के नाम ट्रांसफर करवा चुके हैं। मामले की गंभीरता से सुनवाई के बाद अपर कलेक्टर ने विनोद सोलंकी को फोन लगाकर 3 दिन में वाहन लौटाने के आदेश दिए। एक नोटिस जारी किया है, यहाँ का कोई पहलवान का नाम बता रही थी कि सब वो गुंडा मवाली टाइप का आदमी है, उनके द्वारा हमारे बेटे के नाम की गाड़ी जो कि हमारे वर्तमान में उसकी बहू के नाम रजिस्टर्ड है ट्रक, उसको उन्होंने रख लिया है, छोड़ नहीं रहे, तो उसको टेलीफोन पर अवगत कराया कि 3 दिन में उसकी गाड़ी वापस नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। माँ अपने बेटे के दगाबाज दोस्त से वाहन लेने के लिए करीब 1.25 साल से परेशान हो रही है। उन्हें उम्मीद जागी है कि कलेक्टर कार्यालय से मिलने जरूर न्याय मिलेगा।